एवरीवन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 पार्ट 4 हार्मोन्स इन एनिमल्स। जंतुओं में हार्मोन, हाउ आर सच केमिकल आर हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशंस यूज इन एनिमल्स, व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्वायरल यू experiences when they are in a scary solution, their bodies have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled away. Many different tissue types will be used and their activities integrated together. In this action, however, are two alternate activity, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which comes some common preparations can be useful made in the body. These preparations should ideally make easier to be either activity in the near future. How would this be achieved? ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं को संचरण के साधन की तरह प्रयुक्त होते हैं? कुछ जंतु जैसे गिलहरी को ले लीजिए आप, ये विषम परिस्थिति में होती है तो क्या महसूस करती है? यह अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएँ हैं, इसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा का आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के विभिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर यह कार्य करेंगे। यद्यपि लड़ना या दौड़ना दो एकांत क्रियाएं एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, अतः यह एक ही स्थित है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर के लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श के रूप में निकट भविष्य के लिए किसी क्रिया में सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा? If the body design in the square relied only on electrical impulses, we nerve cell the range of tissue instinct to prepare for the coming activity would be limited. On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, it will reach all cell of the body and provide the vibe ragging changes needed. This is done in many animals including humans being using a hormone called adrenaline that is secreted from the adrenal glands. Look at diagram 7.72 located these glands. यदि गिलहरी के शरीर अभिकल तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए वह अपेक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यह रासायनिक संकेत को भी भेजा जाता है जो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आवश्यक परिस्थित परिसर बहुत हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्थापित एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं को यह किया जाता है। इन ग्रंथियों के शरीर में स्थित जानने के लिए आप डायग्राम देखिए। एडिलीन इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरिड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इफ एक्स इंक्लूड द हार्ट एस एरियल द हार्ट बीट्स फर्स्ट रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू अवर मसल्स द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन द रिड्यूस due to the contraction of muscles around small arteries in this organ. This divert the blood to the skull muscles. The breathing rate also increased because of the contraction of the diaphragm and the trap muscles. All these response together enable the animal body to be ready to deal with the situations. Such animal hormones are part of the endocrine system which constitutes a second way of control and coordination in our body. एडिलीन सीधा हृदय में स्थापित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित अन्य लक्ष्य अंगों
या विशिष्ट ऊतक का कार्य करते हैं। परिणामस्वरूप हृदय का धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र में त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों में छोटी धमनियों के आसपास की पेशियाँ सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायफ्राम और पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थित से निपटने के लिए तैयार करती हैं। यह जंतु हार्मोन अतः स्थायी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग बनाता है। रिमेंबर डैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स डैट कंट्रोल देयर डेस्टिनल ग्रोथ। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म ऑन द फेस ऑफ इट? वी कैन नॉट इमेजिन द रोल ऑन डेस्टिनल ग्रोथ। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोविंग मोड इन वन डायरेक्शन और द अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। बट इफ वी थिंक अबाउट इट ए बिट मोर इट विल बिकम एविडेंट डैट इवन इन एनिमल बॉडी ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुल कंट्रोल्ड प्लेसेस। प्लांट विल ग्रो लिव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर ऑन द योर अवर फेसेस। The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. और इसमें करते हैं, पादप में हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि से नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन का कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका को कल्पना दिशिक वृद्धि से नहीं कर सकते। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी भी एक दिशा के अधिक वृद्धि करते कभी नहीं देखा होगा। लेकिन यदि हम आपके इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह एक साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानीपूर्वक नियंत्रित स्थानों में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते हैं। हमारे शरीर में अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानीपूर्वक अनुरक्षित होते हैं। आप फिगर 7.7 एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग मेल और फीमेल। लेट्स एग्जामाइन सम एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ। वी हैव ऑल सीन साल्ट पैकेट्स विच से लुडाइज्ड साल्ट एंड इंक्रीडिनेट इन रिचर्ड विथ आयोडीन। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एस टू हैव आयोडाइज सल्ट इन अवर डाइट? आयोडाइन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड टू मैक थायरोक्सिन हार्मोन्स। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज इन द बॉडी सो एज द प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। इन केस आयोडीन इन डिफिशिएंट इन अवर डाइट देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गाइटर। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिसीज इज ए स्वेलन नेक। कैन यू कॉलरेट दिस विथ द पोजिशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड? अब हम समझते हैं कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन कैसे सहायता करता है। आइए कुछ उदाहरण के लिए परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा है कि आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संबंधित लिखा होता है। हमें अपने आहार पर आयोडीन युक्त नमक युक्त लेना क्यों आवश्यक है? अवंटु ग्रंथि को थायरोक्साइन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। और थायरोक्साइन का संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन कमी होगी तो संभावना है कि हमें ग्वाइटर या से ग्रसित हो सकते हैं। इससे बीमारी में एक लक्षण फूली हुई गर्दन, जो गर्दन के नीचे वहाँ पे फूला हुआ होता है वो ग्वाइटर मतलब घेंघा हो जाता है,
और अवंटु ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हू आर इथर वेरी शॉर्ट ऑफ एक्सट्रीमली टैल ग्लैंड्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? ग्रोथ हार्मोन्स इज वन ऑफ द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ दे आर ऑफ डिफेंसी ऑफ देयर हार्मोन्स इन चाइल्डहुड, इट लीड्स टू डेफर्फिज्म। अब हम देखते हैं, कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे और बौने होते हैं, जो अधिक लंबे और या फिर बहुत लंबे होते हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है कि ये कैसे होता है? जो पीयूष ग्रंथि से स्थापित होने वाले हार्मोन्स में एक वृद्ध हार्मोन होता है, जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्ध हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो यह बौनापन के कारण बनता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड मैनी ड्रामेटिक चेंजेस इन अवर अपीयरेंसेस एज वेल एज डेट ऑफ अवर फ्रेंड। एज यू अप्रोच 10-12 ईयर्स ऑफ एज, दिस चेंजेस एसोसिएट विथ प्यूबर्टी आर बिकॉज ऑफ द सीक्रेशंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। जब वृद्ध हार्मोन के शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है, यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो जो बच्चा होता है वो बौना का कार्य बनता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष तक रही होगी, या आपने कभी अपने और उसके अंदर कोई नाट्य की अंतर देखा होगा, तो यह परिवर्तन यौवनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावण होता है। डू यू नाउ एनी वन इन अवर फैमिली और फ्रेंड हु हैज बीन एडवाइज बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन देयर डाइट बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज एज ए ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शन इन ऑफ इंसुलिन। दिस इज ए हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस बाई द पेंक्रियाज एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। इफ इट इज नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स द शुगर लेवल इन द ब्लड रिसेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अब क्या होता है, क्या आपने अपने परिवार या दोस्तों से कभी किसी को जानते हो जिन्हें डॉक्टर ने अपने आहार में कम शर्करा लेने की सलाह दी है, क्योंकि वह मधुमेह के रोगी होते हैं। उपचार के रूप में वह इंसुलिन का इंजेक्शन भी ले रहे हों। यह एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय में होता है, पिट्यूटरी में होता है, जो रुधिर में शर्करा स्तर की नियंत्रित करने की सहायता करता है। यदि यह उचित मात्रा में स्थापित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाती है और कई हानिकारक प्रभाव से कार्य बनता है। इफ इट इज सो इम्पॉर्टेंट डैट हार्मोन्स शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिक्रिस क्वान्टिटीज, वी नीड ए मैकनिज्म थ्रॉट विच दिस इज डन। द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलाइज आर रेगुलेटेड बाई फीडबैक मैकनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज इज दे आर डिटेक्टेड बाई द सेल ऑफ द पेंक्रियाज विच रिस्पॉन्ड बाई प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, इंसुलिन सीक्रेशन इज रिड्यूस्ड। अब हम देखते हैं, यदि यह इतना आवश्यक है कि हार्मोन का स्रावण परिशुद्ध मात्रा में होना चाहिए, यह एक क्रियाविधि की आवश्यकता है या जिससे यह क्रिया होती है, स्रावित होने वाले हार्मोन्स के समय और मात्रा का नियंत्रण पुनर्वरण क्रियाविधि से किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि रुधिर में शर्करा स्तर बढ़ जाता है तो अग्नाशय की कोशिका संचित कर लेती है और इसकी अनुक्रिया से अधिक इंसुलिन स्रावित करती है। जब रुधिर में शर्करा स्तर कम हो जाता है तो इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है। एक्टिविटी 7.4,
हार्मोन्स आर सीक्रेटेड ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट टेबल 7.1 बेस्ड ऑन द हार्मोन्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द फंक्शन प्रोवाइडेड। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्थापित होता है जिनके विशिष्ट कार्य होते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए दिए गए कार्यों के आधार पर कार्य करता है। सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड फंक्शन। ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। ये सभी अंगों को वृद्धि में प्रेरित करता है। थायराइड ग्लैंड रेगुलेटर्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। जो थायराइड होता है सेकंड नंबर, वो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। थर्ड नंबर इंसुलिन। फंक्शन क्या है? रेगुलेटेड ब्लड शुगर लेवल। जो इंसुलिन होता है रक्त के शर्करा स्तर का नियमन करता है। फोर्थ टेस्टोस्टेरोन। ये होता है टेस्टिस। फाइव नंबर में ओवरीज। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सिस्टम। मादा लैंगिक अंगों का विकास व मानसिक चक्र का नियमन करता है। एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ग्लैंड्स रिलीजिंग हार्मोन्स मोचक हार्मोन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का स्त्राव प्रेरित करता है। थैंक यू।